नमस्कार, मैं अनुष्का महेश्वरी हेमकॉम न्यूज से। आज हम आए हुए हैं म्यूजिक स्कूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारे साथ होंगे इस फिल्म के डायरेक्टर पापा राव बियाला और दो स्टार्स शर्मन जोशी एंड श्रिया सरन। देखते हैं क्यों बनाई है इन्होंने ये मूवी, जानेंगे आज हम इन लोगों से। म्यूजिक जो है कि हमारी लाइफ का जो है कि एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट कह सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे दूसरी तरफ जो है पेरेंट्स जो है कि वो जब बच्चा छोटा होता है अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं तो नफरत करते हैं। तो हमने फिल्म के ट्रेलर में थोड़ा देखा है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ये होना चाहिए? आप तो मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूजिक जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, ठीक सर। और दूसरा ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं कि म्यूजिक से नफरत भी करते हैं। जैसे बच्चे को कहते हैं कि नहीं ये सुन मत, ये नाच मत, ये नाम कर रहा है सर वैसा जो है। तो क्या आपको लगता है कि ये ठीक है या गलत है, उसके बाद क्या कहते हैं? देखिए वो गलत है पर तो बोलते हैं फिल्म ही उसी का है। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं सोच रहे हैं उसी के क्रक्स ऑफ द फिल्म है। Good afternoon, this is Sanjay. My question is for Sharmin. I was watching your movies, you know, last week on Smart Platforms. So I saw all your movies, which I haven't seen earlier. So it was a great, I wanted to come and meet you today. And Shreya, we just came to know you were in the show too. Were you there? अलग तरीके से ट्रीट किया सर ने फिल्म को, म्यूजिकल म्यूजिकल फिल्में कम बनी और जहाँ पे हम किरदार एक दूसरे के साथ म्यूजिकली बात करते हैं कुछ इंस्टेंसेस में, तो उस हिसाब से अलग है। हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में आई है, हिंदी में कम ही आई है और ये वन ऑफ दोस फिल्म है एंड द वे इज बीन टोल्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम अ ग्रेट स्क्रिप्ट द वे इज बीन शॉर्ट प्रेजेंटेड मेक्स इट स्पेशल एंड ऑफ कोर्स द म्यूजिक बाय लिया आर्चर सर एंड ऑफ कोर्स एंड थ्री ओरिजिनल ट्रैक्स ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक। हॉलीवुड की तरफ जाने की बात नहीं है ये, आई थिंक अभी तो हम सबको ये एहसास हो रहा है कि हम जितना अपनी ज़मीन से लग के रहेंगे तभी कुछ बात बनेगी। अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम सबको अभी आ गया और समझ भी आ गई है कि लोकल और सिनेमा विच इज़ मोर ग्राउंडेड हियर टू आवर कंट्री विल हैव अ लार्जर अपील ग्लोबली ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे खुद अपना सिनेमा ऐसा बनाना पड़ेगा जो सब जगह हो रहा है एक्चुअली, कोरिया के ड्रामाज हम लोग सब बहुत रुचि से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। और तो बेस्ट पार्ट अबाउट आई थिंक ओटीटी इज दैट इट्स ओपन अप द वर्ल्ड, एवरीवन कैन एक्सचेंज एनी गुड कंटेंट। तो आप यहाँ का कंटेंट ले लो या चाइना से ले लो या अमेरिका से ले लो, गुड कंटेंट इज अवेलेबल कंज्यूमर के लिए तो विन-विन सिचुएशन। सो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स हियर आर अनदर सॉन्ग वी रिलीज हुए, तो आप YouTube में देखे बच्चे मिमिक कर रहे हैं बिकॉज वो बच्चे इनको पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं इनका प्ले करने के लिए, उनको खींच के ले गया था तो बोल रहे अभी पेरेंट्स को वो लोग मिमिक कर रहे हैं, तो उसने गाना बनाया। सो लाइक दैट इट गोज विद द फ्लो ऑफ द स्टोरी, आपको कहीं दिखेगा नहीं कि दो घंटा हो गया और 12 गाने निकल गए और एक जगह मैडम ने गुस्से करके कुछ बोलती है वो प्रिंसिपल के पास जाना है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ मैं बता रहा हूँ, तो उनको तो जाके प्रिंसिपल चार लोगों का मीटिंग लगाता है ना, ऐसा नहीं लगा तो उसको भी मैं एक म्यूजिकल डायलॉग दे सकी है। तो सब जाके देखिए, जैसा कि आपने देखा डायरेक्टर पापा राव बियाला, श्रिया सरन और शर्मन जोशी ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और उसमें बताया कि वो म्यूजिक स्कूल को किस तरीके से और फिल्मों से अलग बनाना चाहते हैं और वो क्यों अलग बनी और अब क्या वो अपनी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना पाते हैं या नहीं, वो तो 12 मई को पता चलेगा कि वो लोगों को कितना पसंद आता है। मैं कैमरामैन ज़ियाउर रहमान खान के साथ छायागिरी, धन्यवाद।